तो आज हमारा चौथा दिन है। चौथे दिन में हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो अभी तक जो सीखा उसके बाद रिकैप ले लेते हैं। अभी तक जो मैंने सीखा वो सीखा है, हमने एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, हमने सिलेक्शन मेथड के बारे में जाना, हमने कुछ फॉर्मेट्स को डिजाइन करना सीखा। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन, फॉर्मूला लगाना, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट रहेगा, कुछ एडवांस कंसेप्ट रहेगा, इसको ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कैलकुलेशंस के ऊपर। कैलकुलेशन मतलब किसी भी तरह का, आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। कैलकुलेशन किस तरह का, देखिए हर एक सेल का एड्रेस होता है, जो कि मैंने बताया, जैसे A2 है और B2 है, C2 है, हर एक का कैलकुलेशन होता है, हर एक का एड्रेस होता है। और हम कोई भी नंबर डालते हैं तो इसके बीच में जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए दो तरीके अपनाते हैं। पहला जो कि हम यूज करते हैं एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूला, जो कि जैसे कि सम है, हमने एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं 110 आए। तो इनबिल्ट फॉर्मूले के लिए मैं हमेशा सबको नहीं बोलता कि आप हमेशा इनबिल्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें। इसके पीछे रीजन ये है कि हर कैलकुलेशन के लिए इनबिल्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता है। तो उस केस में हम मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जैसे कि प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर, ये हमारे मोस्ट यूजेज है, जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट को बाय किया 50 रुपीज में और मैंने सेल किया 20 रुपीज, 65 रुपीज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं, अब कोई फॉर्मूला इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करें? तो यहां हम बात करेंगे अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो कि मैथमेटिक्स में हम करते हैं। मतलब इसी चीज को अगर पेन पेंसिल पे मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम यहां अप्लाई करेंगे कि सेल सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। लेकिन एक्सेल में मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना होता है, क्योंकि एक्सेल में परसेंटेज ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। अब इसको यहां करें। अब एक चीज देखिए, जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का क्या बोलते हैं उसको, प्रिफरेंस। जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा सर, रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? थ्री आएगा, तीन जी आएगा। हाँ 3 आएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं सर तो ये आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास मेथड इस पे मैनेज करता है कि 2 प्लस 2 में पहले पहले डिवाइड होगा उसके बाद सम। तो यहाँ लेकिन मुझे यहाँ पे पहले माइनस करना है फिर सम करना है, तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे कि सेल्स माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, और एंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन देते हैं परसेंटेज। तो ये देखिए 30% आ गया सर, क्लियर है? कोई डाउट जी जी इसमें? ना ना ओके, अब इसमें ये तो हो गई, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ और कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी पे आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल, ये 50 रुपीज, 50,000 हमारा इंटरेस्ट है, सॉरी 50,000 रुपीज का हमने लोन लिया। रेट जो है हमारा वो 10% का रेट है और टाइम जो है 3 सालों का। अमाउंट क्या, हालांकि इसके लिए एक्सेल में FV का, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, बट प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो हमारी कैलकुलेशंस मैच नहीं करते। सॉरी, कई बार क्या होता है ना कि आपकी तरफ से अलग कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन
सर? जी तो हमारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है वो कहता है कि पी मतलब कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई N पावर ऑफ T टाइम मल्टीप्लाई बाई N। ठीक है सर? जी अब यहां हमने कोड ये तो डाल दी। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि तो थोड़ा लंबी है ना सर। क्या तो आप जो है बिल्कुल इसको अपने नोटपैड की तरह स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे कि पहले 1 प्लस R डिवाइड बाय N है। N क्या है? तो N 12, मतलब कि मंथली कैलकुलेशन है तो इसलिए N 12। तो यहां हम करेंगे पहले 1 प्लस और R, R कौन सा है? 10 डिवाइड बाय 12, एक कैलकुलेशन हो गई। फिर हम यहां पे करते T मल्टीप्लाई बाय 12, दूसरा हो गया ए वाली कैलकुलेशन हो गई। फिर इन दोनों का पावर, तो पावर निकालने का सिंबल मैंने आपको ए बताया था, जो कि शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करते हैं तो आता है। इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और पावर का सैंपल देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा पावर आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल से कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट 67409 है। मतलब 50,000 रुपये 10% से 3 सालों में ये आपका 67409 आएगा। इस फॉर्मूले पे पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई N पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई N, इसकी मेथड। ठीक है सर? जी अब यहां ये तो ठीक है। अब यहां क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन यहां आता है कि इन सारे कैलकुलेशन में मुझे एक सेल में यहां रखना था, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया, तो कैसे करें? अब यहीं पे एंट्री होती है एक नया मेथड, वह है फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। और ये मेथड बिल्कुल मेरा है, अगर कोई बता कोई यूज करता है तो समझिए उसने मेरी वीडियो देखी है और मेरी नकल कर रहा है, क्योंकि तो इसको मैंने 2007 में इंट्रोड्यूस किया था। फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, जैसे कि ए फॉर्मूला इन दोनों से लिंक है ना सर, C12 जी और C13। तो मैं C12 पे गया और यहाँ C12 का फॉर्मूला को लिया और यहाँ C12 पे हमने पेस्ट कर दिया। लेकिन ऐसे पेस्ट नहीं करेंगे, हमें पेस्ट किस पे करना है? ब्रैकेट में, ताकि बोर्ड मास मेथड का प्रॉब्लम ना हो। समझे? जी अब यहां पे बारी आती है इसकी, इसमें इसकी C13 की। तो C13 पे गए और C13 के फॉर्मूला कॉपी किया, और कॉपी इक्वल को मत कीजिएगा, इक्वल कभी भी कॉपी नहीं होगा। और यहां C13 के जगह पे ब्रैकेट में C13 के फॉर्मूले को पेस्ट कर देते। अब इन दोनों को मैं डिलीट कर सकता हूं, देखिए मेरा फॉर्मूले भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर वापस इसको मैंने कॉपी किया और यहां जहां पे C14 था उसकी जगह ब्रैकेट पे मैंने डाल दिया, तो ये फाइनल रिजल्ट एक सेल में आ गया। अब प्रॉब्लम है कि मुझे यहां नहीं, इसको यहां रखना है। तो कभी भी इसको कॉपी पेस्ट मत करिएगा, क्या कीजिएगा? इसको कट और पेस्ट। क्या करना है? कट और पेस्ट। कट पेस्ट क्यों करेंगे हम, बताइए सर? हम हाँ, कॉपी वो में पीसी क्यों बना के, साल की साल की लोकेशन को लोकेशन हम को लोग हम चेंज कर चेंज रहे हैं कर वहां रहे पे, हैं। फिक्स बाकी नहीं, साल की लोकेशंस लोकेशन की चेंज बात ना नहीं कर हो। रहा हूं, क्योंकि क्या होगा ये आपका इस डेटा से लिंक है। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसको करना पड़ेगा फ्रीज, वो समझे? अदरवाइज जब कॉपी जी करके ऊपर करेंगे ना, तो देखिए इस तरह का 0 आया, क्योंकि सारा चेंज हो गया ना। बट कट पेस्ट करने में आपकी सेल की लोकेशन चेंज नहीं होती। क्लियर है? जी तो अब आप सोचेंगे कि सर आप इतना झमेला का है, ये चीज तो हम एक साथ में लिख सकते थे ना यहाँ पे।
एक साथ भी लिख सकते थे, तो इतना झमेला कॉपी पेस्ट क्यों बिल्कुल किया? नहीं, एक साथ लिख सकते थे, लेकिन ऐसा शुरुआती दौर में ऐसा हो सकता था कि आपसे कोई कॉमा या कोई ब्रैकेट गलत लग सकता था। ठीक है, कोई कॉमा और कोई ब्रैकेट गलत लग सकता था। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जहां आप इस चीज को मान जाएंगे कि एक कैलकुलेशन सबसे परफेक्ट है। वो है, हमें किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है पता है कि कॉस्ट 50 है, मुझे इसकी एमआरपी निकालनी है। एमआरपी क्या हो? तो एमआरपी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है? अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एमआरपी कैसे निकाला जाए। तो एमआरपी डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम कितना परसेंट का कमीशन अपने बिचौलियों को देते हैं जो कंज्यूमर तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। ठीक है, बिल्कुल तो चलिए इसी चीज पे हम डिस्कस करते हैं आगे। इससे एक चीज और समझ में आएगा कि बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखना कितना इजी है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो है अपने कॉस्ट पे वो 5% का कमीशन में 5% का प्रॉफिट ऐड किया और बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेज किया 52 रुपीज 50 पैसे। फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपने खरीद पे, कॉस्ट पे नहीं, क्योंकि कंपनी कॉस्ट जिसमें कुछ नहीं पता है क्या है कॉस्ट, वो अपने खरीद पे 10% का कमीशन ऐड किया और दे दिया किसको? होलसेलर। फिर होलसेलर अपने खरीद पे 15% का कमीशन ऐड किया और किसको दे दिया? रिटेलर को। टेलर रिटेलर ने क्या किया? अपने खरीद का 20% ऐड किया और किसको दे दिया? अपने कंज्यूमर को। कंज्यूमर को। तो फाइनल प्राइस ये हो गया। बट इस रिजल्ट जो 79 है, इसको निकालने के लिए मुझे इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा। मैं चाहता हूं इस सारा कैलकुलेशन एक सेल में हो, जैसे कि यहां पे हुआ है। एचर, तो यहां हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे और यहां जहां पे आपका C14 है उसके जगह पे इसको हम पेस्ट कर देंगे, बट ब्रैकेट, मतलब अब C14 को डिलीट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने। फिर C15 को हम यहां से कॉपी करते हैं इक्वल के बाद, और जहां जहां C15 है वहां वहां डिलीट कर उसके जगह ब्रैकेट देकर ब्रैकेट के बीच में कर्सर ले जाके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। यहां भी ब्रैकेट के बीच में कर्सर को ले गया और हमने इसमें पेस्ट कर दिया और फिर इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर वापस इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ D14 पे आते हैं और D14 के जगह पे D14 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं और फिर इसको डिलीट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे मेरा फॉर्मूला बढ़ता जा रहा है, वो भी इजिली। D15 पे आए, D15 जहां जहां है वहां वहां D15 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया और यहां भी हमारा D15 है, तो D15 के जगह पे D15 का फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको डिलीट कर सकते हैं। देख, फिर वापस D15 पे आए, D15 के फॉर्मूला को कॉपी किए और यहाँ जहाँ E15 है हमारे पास, E15 के जगह पे हमने E15 का, ये 14 है, 14 का फॉर्मूला पेस्ट कर। अब डिलीट करते समय देखिएगा कि आपका रिजल्ट तो नहीं चेंज हो रहा। अगर आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की, समझे? यहाँ पे हमने E15 का फॉर्मूला डाल दिया और यहाँ भी हमने E15 का फॉर्मूला, और यहाँ इसको डिलीट कर दीजिए, चेंज हो रहा है क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला पेस्ट किया। अब रितेश जी एंड गोपाल जी, आप ही इमेजिन कीजिए क्या लग रहा है कि इतना लंबा फॉर्मूला आप मैनुअली लिख पाते? नहीं क्या लग रहा है आपको कि लिख पाते आप? नहीं नहीं
लेकिन हमारे इस फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से आपने क्या किया, इसको लिखा है, समझे? जी आज की जो क्लासेज है, एक क्यों बता रहा हूं कि देखिए आगे चल के आप फॉर्मूले सीखेंगे और कैलकुलेशन का यूज हम बहुत सारे जगहों पे, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, पिवट हो गया, ऐसे जगहों पे हम करते हैं, ठीक है? तो आपको ये जी चीज पता होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि सारे चीजों के लिए मैथमेटिक्स के, सारे चीजों के लिए आपके पास फॉर्मूला नहीं होता है। कई बार हमें अपने फॉर्मूले खुद कैलकुलेट करने, जैसे कि कुछ दिन पहले मुझे एक जो डाई कंपनी होती है, जो कपड़े को डाई करते हैं, उसके यहां से कॉल आया। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ प्रोग्रामिंग करवानी है। क्या चीज का? उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ कलर्स के कुछ कैलकुलेशंस हैं, उस कैलकुलेशंस को हम चाहते हैं कि एक्सेल में डालना। हम बोले इसके प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत है, आप उस कैलकुलेशन को मैथमेटिक में करते हैं? जी हाँ, मैथमेटिक में करते हैं। जो आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला यही होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ए साइन, क्या ही होता है ना सर? पूरी मैथमेटिक्स इसी पे टिकी हुई है ना सर? जी अब बोले सर पाई भी है, रूट स्क्वायर भी है, तो उस सब के लिए एक्सेल में फॉर्मूले है। जैसे पाई की बात करें तो जनरली हम पाई को 22/7 कर देते हैं, तो पाई का मान निकल जाता है ना सर? या पाई का जी फॉर्मूला भी अवेलेबल है, ये यूज कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे SQRT का फॉर्मूला होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। या स्क्वायर रूट निकालने का जो मैथमेटिकल पार्ट है, उसके लिए यहाँ पे उसका भी यूज आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। ओके, जी अब चलिए हम कुछ प्रैक्टिस शीट्स आपके साथ शेयर करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अभी प्रिंसिपल वाला एग्जांपल यहाँ दिखाया, उस चीज से उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये देखिए, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT, तो P हो गया और यहाँ पे R लिखेंगे और यहाँ पे T हो गया। तो प्रिंसिपल मान लीजिए 50,000 है, रेट आपका मान लीजिए 10% है और टाइम आपका 3 है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा? तो ये सिंपल इंटरेस्ट का कोड क्या करता है? PRT। तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा ना सर? तो P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T, एंटर प्रेस करेंगे तो 15,000 आ जाए। अब यहां बोलता है अमाउंट इक्वल टू पी पी ब्रैकेट ब्रैकेट में 1+RT, ठीक है ना? तो इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे? ए इक्वल टू, तो यहां पे इक्वल हम पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, 1+ और अगेन ब्रैकेट करेंगे RT, रेट ऑन टाइम। तो ये आपके सामने आ गया, जलता है क्या सर? क्लियर जी है? समझे? जी तो उसी तरह से यहां बाकी की कैलकुलेशन भी है, तो आप इसको ट्राई कीजिए। अगर दूसरे प्रैक्टिस शीट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। अब आप एमएस समझिए कि सर तो मैथमेटिक्स लेके बैठ गए आप क्या? अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर बड़ी मुश्किल से तो स्कूल में मैथमेटिक्स छूटा है और आप एक्सेल पढ़ने में मैथमेटिक्स घुसेर रहे हैं। रीजन वही है कि समटाइम आपको जब कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए एक्सेल में इनबिल्ट फॉर्मूला को इसकी गारंटी नहीं है, समझे? तो आप उस समय जी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब कि उस कैलकुलेशन को जो आप एक्सेल शीट पे मैथमेट इस पे पेन और पेपर से जो करते हैं मैथ के जरिए, वो चीजें आप यहाँ आसानी से कर सकें। तो चलिए क्या कर सकते हैं इसमें? तो यहाँ सबसे पहले होता है, यहाँ पे क्यूबिक है, तो क्यू वाई, क्या बोलते हैं इसको, क्यू वाई। तो इसमें इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? LBH।
सबसे पहले जानिए कि एल, एक मान लीजिए कि एल जो है A50 है, ठीक है, रितेश जी बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? नहीं नहीं सर कंटिन्यू करें। गोपाल जी आप क्या बोर हो रहे हैं क्या? चलिए नो सर नो। देखिए, ए लोग यहाँ पे और ए हमारा आ जाता है बी, और ए आपका एच कर दीजिए हाई, ठीक है, तो 65 और हाइट मैंने 70 कर दी। अब मुझे अगर वॉल्यूम निकालना हो, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सामने तो फॉर्मूला है आपका एल बी एच, एल बी एच, आ गया रिजल्ट। अब यहां बोलता है कि मुझे यहां पे, अगर मान लीजिए कि मुझे यहां पे एलसी निकालना हो, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक कवर्ड सरफेस एरिया, उसको हम लोग एस ए भी बोलते हैं, तो एस ए का फॉर्मूला है 2H, तो यहां हम इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई एच, एच क्या है हाइट, और इसमें हम करेंगे एल प्लस बी, एल प्लस बी, रिजल्ट आ गया सर। और यहां पे आरएफ आया, आरएफ क्यों आया बताइए, यहां पे क्यों आरएफ आया? मल्टीप्लाई नहीं लगाया मल्टीप्लाई आपने B4 के बाद में। जी हाँ, हमने ब्रैकेट के जगह पे मल्टीप्लाई नहीं किया, और ये मोस्टली गलती स्टूडेंट करते हैं सर, समझे? अब कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, क्योंकि हम भी तो कभी स्टूडेंट थे। तो इस तरह की कैलकुलेशन, तो बाकी कैलकुलेशन इसी तरह से आप कीजिएगा, लेकिन मोटिव क्या है, मोटिव समझिए। मोटिव यहां पर यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम के लिए एक्सेल फॉर्मूला को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? जी एक्सेल फॉर्मूला को ढूंढने में क्या ना बेस करें, टाइम वेस्ट ना करें। अगर उसके मैथमेटिक्स रूल्स आपको पते हैं तो मैथमेटिक्स रूल्स यूज करते हैं, पहला। दूसरा, दूसरे चीज को समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपने आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी मैथमेटिक रूल्स को ढूंढेंगे कि मैथमेटिक्स रूल्स के जरिए कैसे हो। समझे, हेलो हेलो समझ में आया सर आपको कि नहीं? यस यस श्योर 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 तो अब ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूं, कैलकुलेशन करें। और यहां पे एक चीज यहां और भी दिखाया मैंने, जो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। क्या बताया मैंने, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। इसमें आपने देखा कि अगर मैं अलग अलग सेल पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो उस सेल को हम कैसे करें एक साथ, समझे सर? जी क्लियर है? ये फाइल भेज रहा हूँ, इस फाइल की प्रैक्टिस करें। और आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप जो है, जी मैं आपको रिकॉर्डिंग आज के भेज दूंगा।